बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी निवासी डिप्टी ने बताया कि उसके 5 पुत्र व 1 पुत्री है। सबसे छोटा पुत्र 12वीं वर्षीय मोहित सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ता था। फिलहाल मोहित की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। शनिवार दोपहर को मोहित घर से बगैर कुछ बताए अपने साथियों के साथ प्रथला स्थित बनी वाले तालाब में नहाने के लिए आ गया, जहां पर नहाते समय तालाब में डूबने से मोहित की मौत हो गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच अधिकारी हवलदार रविंदर ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत पर धारा 174 की कार्यवाही की गई है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामला यह हुआ सर, एक राजीव कॉलोनी का बच्चा है 12 साल का, ठीक है सर। ये अपने पिरथला गांव में एक तालाब है बनीवाड़ा मंदिर में, वहाँ नहाते वक्त इस बच्चे की जो है ना डूबने से मौत होने की आनी। कितने बजे की घटना थी ये? घटना करीब बता रहे हैं 11:30-12 बजे। जो तालाब है उसमें और बच्चे भी नहाते हैं? हाँ, और बच्चे भी नहाते हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई पूछताछ जारी है, 74 कार्रवाई करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बाप ने बयान दिया है मेरा बच्चा नहाते वक्त जो है ना पानी में डूबने से इत्तेफाक से मौत हुई।